210 किलो अवैध गांजे के साथ दो तस्करों को चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी कीमत अनुमानित 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशानुसार विजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एवं आशुतोष क्षेत्राधिकारी पीडीडीओ नगर के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चंदौली गगनराज सिंह की पुलिस टीम द्वारा वाजिदपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक डंपर ट्रक, जिसका टायर फटा हुआ था, जो तेजी से हाईवे पर जा रही थी, पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास करने पर ट्रक चालक स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करके डंपर को रोका गया। संदिग्ध डंपर ट्रक के ढाले को प्रेशर से उठवाने पर देखा गया कि ढाले के नीचे गोपनीय बॉक्स बना हुआ था, जिसके अंदर 7 हरे रंग के प्लास्टिक के बोरे बरामद किए गए। वाहन चालक व परिचालक से पूछताछ में उनकी पहचान कृष्णा महतो व परिचालक अमित कुमार तिवारी के रूप में ज्ञात हुई। बरामद बोरे के बारे में बताया कि सभी बोरे में गांजे का पैकेट भरा हुआ है, जो हम लोग उड़ीसा से लादकर वाराणसी ले जा रहे हैं। सामान की डिलीवरी कहां करना है, इस बात की जानकारी वाराणसी टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर डिस्ट्रीब्यूटर संजय सिंह से मिलती। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज भोर में थाना क्षेत्र चंदौली के अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर एक डंपर को रोका गया। उस डंपर में जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला उसमें 7 बोरे बरामद हुए। 7 बोरों में 210 किलो लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों को तत्काल हिरासत में लिया गया। जानकारी से प्राप्त हुआ कि इन व्यक्तियों द्वारा ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था, बनारस की तरफ ले जाया जा रहा था। 2 लोग जो पकड़े गए हैं, एक कृष्ण महतो है जो झारखंड का है और अमित कुमार बिहार के रहने वाले हैं। इसमें इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि पीछे से कहाँ से सोर्स किया गया है और डिलीवरी कहाँ हो रही थी। उन अभियुक्तों का नाम भी प्रकाश में लाया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इनका आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। वर्तमान में कोई मुकदमा इन पर प्रकाश में नहीं आया है और इसमें पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये टोटल 210 किलो गांजा है और इसकी जो कीमत है लगभग 53 लाख रुपया है।